किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में फैटी डाटा रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना होगा और अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको इसे ऊपर की ओर स्लाइड करना है और आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब आपको इस पेज को ऊपर की ओर स्लाइड करना है और आपको निचले साइड में बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको इस पेज को ऊपर की ओर स्लाइड करना है। दोस्तों ऊपर की ओर स्लाइड करने के बाद अब आपको निचले साइड में फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस फैक्ट्री डाटा रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो ऑप्शन शो किए जाएंगे, यहाँ पर पर्सनल डेटा और फॉर्मेट मॉक एसडी कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में रखे अपने पर्सनल डेटा को कहीं और सेव करके नहीं रखा है तो दोस्तों आपको इसमें से अपना पर्सनल डेटा निकाल लेना है, नहीं तो आपके फ़ोन में रखे सारा का सारा पर्सनल डेटा फ़ोन को रीसेट करने के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आपको निचले साइड में रीसेट फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको रीसेट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है अपने फ़ोन को रीसेट करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपसे पैटर्न लॉक पूछा जाएगा, जो भी आपने पिन लॉक लगाया होगा या फिर पैटर्न लॉक लगाया होगा तो आपने यहाँ पर वो लॉक लगा के इसे अनलॉक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पैटर्न लॉक यहाँ पर लगा लेता हूँ। फ़ोन में पैटर्न लॉक लगाने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अलर्ट किया जाएगा कि अगर आपने अभी तक अपने फ़ोन का बैकअप नहीं लिया है तो दोस्तों आप अपने फ़ोन का बैकअप ले लें। आपको यहाँ पर नोटिस कर दिया जाएगा, दोस्तों आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके। अगर आपने फ़ोन का बैकअप लेना है तो आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और अगर आपने अपने फ़ोन का बैकअप ले लिया है तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर काउंट डाउन होगा, तो इस काउंट डाउन के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा इरेज किया जाएगा आपके फ़ोन की ओर से। इरेज हो जाने के बाद अब आपका फ़ोन ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद अब आपका फ़ोन शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन हो जाने के बाद अब आपका फ़ोन ऑन होगा। ऑन हो जाने के बाद अब आपको यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों वेट करने के बाद अब आपके फ़ोन के डिस्प्ले पर नंबर चला जाएगा, जो कि 100% लोडिंग होगा, फिर जाके आपका फ़ोन शटडाउन कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि ये 100% लोडिंग ना हो जाए। तो दोस्तों मैं यहां पर वेट कर लेता हूं। दोस्तों ये फ़ोन जब 100% लोडिंग ले लेगा तब मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर मिलता हूं। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं वो 100% कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों अब आपका फ़ोन यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको यहां पर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारा मेन स्क्रीन आ चुका है। फ़ोन रिसेट हो जाने के बाद जैसा कि लेटेस्ट डिवाइस को ऑन करने वक्त होता है दोस्तों, अब आपको निचले साइड में एरो का सिंबल दिख रहा होगा, आपको इस एरो वाले सिंबल पर क्लिक करना है आगे बढ़ने के लिए। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जाएगा, यानी कि भाषा पूछा जाएगा आपसे कि आप किस भाषा में अपने फ़ोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको भाषा को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप कौन से देश के वासी हैं, तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर ले, अगर आप कहीं वो के हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिस्टम का या फिर गूगल का। तो दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल का कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेटवर्क को कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ से इसको स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कॉपी योर डाटा और सेटअप एज ए न्यू फ़ोन की तरह। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को सेटअप एज न्यू फ़ोन की तरह करना चाहते हैं तो आपको सेटअप एज न्यू फ़ोन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप अपने कॉपी करना चाहते हैं अपने डाटा को, तो आपको कॉपी और डाटा पर क्लिक करना है। तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपका फ़ोन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फ़ोन अपडेट होने के बाद अब आपके फ़ोन पर साइन इन स्क्रीन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी वगैरह सेटअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट या फिर स्क्रीन लॉक को सेट कर लेना है। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेटअप पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से पैटर्न लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं और पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैटर्न लॉक सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर अपना पैटर्न लगा लेता हूँ। पैटर्न लगाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से अपने मन मुताबिक के सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे थीम चूज़ करने के लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लोडिंग वाला पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए पूछा जाएगा कि आप इनमें से कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको टिक लगा कर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने लोडिंग का पेज आएगा, तो आपको यहाँ पर लोडिंग होने देना है। तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपका ऐप लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा आपके फ़ोन स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अब आपका फ़ोन का जो मेन स्क्रीन होगा वो आ जाएगा दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाएं। और आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रश्न सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।